Let us begin. Ta da da da. हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ टाडाडा आर्ट क्लब। और आज आपके लिए मैं कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। यहाँ पे जनरली मैं आपको आर्ट ड्राइंग उसके बारे में सिखाता हूँ, बट आज मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे नेचर के साथ। तो मैं आपको एक कुछ नेचर से बनी हुई इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो दिखाता हूँ। बहुत रेयर हो चुकी है वो चीज़, बट आई फील कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये चीज़ यहाँ पे करने के लिए मिल रही है। तो मैं आज आपको बना के दिखाने वाला हूँ एक स्केयर क्रो। काफ़ी रेयर है, फार्मिंग में ही वो आपको देखने मिलता है, जिसको हिंदी में बिजुका कहते हैं और मराठी में उसको भुजगांव ने कहते हैं। तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी बच्चों को और काफ़ी लोगों को एज अ स्केयर क्रो करके ही पता है। तो मैं आज वो खुद यहाँ पे बनाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ इस चीज़ के लिए। ये स्पेसिफिकली फार्म के बीचों बीच लगाया जाता है ताकि जो बर्ड्स आते हैं या कोई एनिमल्स आते हैं जो डर के वो भाग जाए। और मुझे भी मालूम नहीं है कि इसको स्पेसिफिक स्केयर क्रो क्यों कहते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ओनली फॉर क्रो, ये काफ़ी सब बर्ड्स के लिए है। तो इसके पीछे का रीज़न मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको किसी को इसका स्पेसिफिक रीज़न मालूम होगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दीजिए। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए स्केयर क्रो। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए या है यहाँ पे अवेलेबल वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए थोड़ा सा सूखा ग्रास, जो सूखा ग्रास की वजह से आप जो है बना सकते हैं। फिर आपके पास होना चाहिए एक मटका, मिट्टी का मटका या कोई भी गोल चीज़ हो सकती है जो आप एज ए हेड उसका यूज कर सकते हैं। और टाई करने के लिए कुछ यहाँ पे जो है मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई है, रस्सी है कटिंग के लिए। और यहाँ पे मेरे पास है दो स्पेसिफिक रॉड जो है, जो बड़े वाले रॉड है और एक छोटा वाला रॉड है जो हैंड्स के लिए मैं यूज़ करूँगा। और उसके अलावा उसके साथ हमें चाहिए एक ड्रेस, जिसमें एक शर्ट और एक पैंट जो पुराना हो सकता है किसी का तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस बड़े से बाम्बू के साथ। उस बाम्बू को लेके मैं अभी जो हूँ यहाँ पे मैंने होल किया हुआ है, उसके अंदर मैं उसको खड़ा कर देता हूँ और उसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस स्टिक को मैं इस तरीके से यहाँ पे टाई करूँगा और उसकी वजह से ये उसके हैंड्स हो जाएंगे और जो मिट्टी का मटका है वो हम लोग इसके ऊपर से यहाँ पे रख देंगे। बट उसके पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो उसका पैंट का पोर्शन है और शर्ट का पोर्शन है उसको बनाने के लिए। उसके अंदर जो ग्रास फील करनी है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ग्रास जो है इसको फिलअप किया हुआ है, तो इसको नीचे से की तरफ से हम लोग बांध सकते हैं या आपको इसको फोल्ड भी करना है कुछ। एक पैर हम लोग फोल्ड करते हैं और एक पैर हम लोग जो है थोड़ा सा ओपन रखते हैं। चांसेस इसमें है तो ये यहाँ से नीचे से निकल सकता है, इसके लिए हमें इसको टाई करना बहुत ज़रूरी है।
तो मैं यहाँ पे छोटा सा रस्सी लेके यहाँ पे तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको टाई किया हुआ है पैंट को। अभी मेन चैलेंज यहाँ पे है कि यहाँ पे मैं लकड़ी को बांधना है। जो यहाँ पे है उसके पहले जस्ट मेजर करके देखते हैं अपना मटका जो हम लोग डालेंगे यहाँ पे वो कहाँ तक आ रहा है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे स्टिक करने के लिए हो जाएगा। शायद यहाँ तक हमें उसको स्टिक कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो लकड़ी को है बांध दिया है। अभी उसी के ऊपर हमें शर्ट पहनाना है उसको। इस तरीके से शर्ट को पहना हुआ है। अभी इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा शेप देने के लिए यहाँ पे टाई अप कर लूँगा तो और अच्छा लगेगा वो। और यहाँ पे हैंड्स के यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ग्रास यहाँ पे लगाऊंगा।
So this way is like body portion is ready and now we gonna make the head. Head के लिए हम लोग जाने वाले head बनाने के लिए. तो उसके पहले एक बार ये जो मिट्टी का मटका है उसको हम यूज़ करने वाले हैं और इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे. उसके पहले उसके अंदर कुछ मैं ग्रास फिल कर देता हूँ तो एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट यहाँ पे दिखेगा आपको. और अब इसके ऊपर हम लोग ये जो हेड रखा हुआ है उसको वाइट कलर से हम लोग आईज और उसके जो फीचर्स है फेस फीचर्स वो हम लोग ड्रा करने वाले हैं. ओके, तो ये अभी हमारे यहाँ पास आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट कलर मैंने यहाँ पे कुछ बाउल में बनाया हुआ है और इस वाइट कलर से मैं इसके फीचर्स ड्रा करूँगा. जैसे कि हमें ये स्केरी क्रो कहा जाता है तो स्केरी फीचर्स होने चाहिए, डरावने जो एक्सप्रेशन होने चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि वही यहाँ पे डालें. तो आई गेस इट्स लुकिंग वेरी फनी, बहुत अच्छा लग रहा है और जो एक्सप्रेशन मुझे चाहिए था वो काफ़ी आ जा है, लंबे लंबे मूछे और गुस्से का एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है. तो आई होप अभी मैं आपको देख रहा है ये तो बहुत बढ़िया तरीके से ये जो है स्केयर क्रो आपके सामने रेडी है और इसके साथ मैं अभी थोड़ा फोटो सेशन करूँगा. तो दोस्तों कैसे लगा मेरा ये स्केरी क्रो, आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसके लिए आप मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे आपके कमेंट्स भेज दीजिए. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे और नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे, इंटरेस्टिंग क्रिएटिव और इस तरीके से वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने मिलेंगे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.